बॉलीवुड की बेबू करीना कपूर खान और नवाब सैफ अली खान एक बार फिर से पेरेंट्स बन चुके हैं। बीते 21 फरवरी की सुबह करीना ने मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एक बेबी बॉय को जन्म दिया। ऐसे में देखा जाए तो पटौदी खानदान में एक बार फिर से किलकारियां गूंज उठी हैं। पटौदी परिवार का हर एक सदस्य काफी खुश है, तो वहीं कपूर फैमिली के सदस्य भी। इस बीच जहाँ एक ओर सैफ और करीना के घर खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है, तो वहीं अब एक और बड़ी खुशखबरी आई है पटौदी खानदान में। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, ये गुड न्यूज जुड़ी हुई है सैफ अली खान की छोटी बहन करीना की ननद सोहा अली खान से। दरअसल जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि हाल ही में सोहा अली खान के पति बॉलीवुड एक्टर कुणाल खेमू को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि कुणाल खेमू को फिल्म लूटकेस में शानदार कॉमेडी के लिए इस अवार्ड से नवाजा गया है। कुणाल खेमू ने सोशल मीडिया पर अवार्ड के साथ की खूबसूरत तस्वीर को शेयर किया है और इस तस्वीर को शेयर करते हुए कुणाल ने अपने दिल की बात कही है। कुणाल ने लिखा है, ऑनर्ड, हैप्पी एंड हम्बल्ड, बेस्ट एक्टर कॉमेडी, दादा साहब फाल्के अवार्ड्स, दिस वन इज द फॉर एंटायर टीम ऑफ लूटकेस, ईच वन ऑफ who made the film shine with their talent, and a big thank you to each and everyone who watched, enjoyed and wished well for me and the film, lots of love and lots of gratitude। और इस तरह से कुणाल खेमू ने अपनी खुशी को जाहिर किया है। कुणाल ने बताया है कि वह कितने खुश हैं, उन्हें इस अवार्ड के लिए लगातार शुभकामनाएं मिल रही हैं। वेल, देखा जाए तो पटौदी खानदान में बेबी के जन्म के बाद अब दामाद कुणाल खेमू को लेकर ये बड़ी खुशखबरी आई है। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।